Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Minds Matter. I'm your host Sana Javed and we are here again with the well-known consultant psychiatrist Dr. Mia Iftikhar Hussain. Welcome, sir. Thank you, Sana. Today the topic of our discussion is mental defense mechanism. Just like our immune system protects our body from infections, bacteria, viruses. Dr. Saab, my question to you is that is there any mechanism which protects our mental health from disorders like anxiety or trauma, and what is it called? Sana, jis tarah aapne khud bataya hai ki body ki apni immunity hoti hai, white blood cells, jo agar antigen ya bacteria ho, to wo jo white blood cells hain, wo usko engulf karte hain, usko khatam karte hain, taaki badan ki protection ho jaye against the infection. तो इस तरह ज़हनी तौर पे भी एक डिफेंस मेकनिज़म है. जब सीवियर एंगजाइटी हो, साइकोलॉजिकल ट्रामा हो और वो टॉलरेबल ना हो बंदे के लिए, तो वो मुख्तलिफ डिफेंस मेकनिज़म इस्तेमाल करते हैं. या कभी एंगजाइटी के साथ साथ गिल्ट फीलिंग हो, उससे बचने के लिए ये डिफेंस मेकनिज़म इस्तेमाल होते हैं. Sir, who presented this theory of mental defense mechanism and how does it work? इसकी theory भी Sigmund Freud ने मतलब पेश की और फिर कुछ और psychologists ने इसमें इजाफा किया और ये मतलब हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों में मतलब देखने में मिलता है. जिस तरह मैंने बताया था ना कि 70% हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है, हमारे बिहेवियर से. कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे, बड़े सियासतदान होंगे या बड़े ओहदों पे होंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट होंगे, वो अजीब सा वो बिहेव करेंगे और हम देखते हैं उसको, लेकिन वो अनकॉन्शियसली करते हैं, उसको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मुझे ये नहीं करना चाहिए. तो वो मतलब है कि इस तरीके से अनकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करती है इस पर. सर, डू वी यूज मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर डेली लाइफ एंड इफ यस, इसकी कोई टाइप्स हैं? जी, हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और माशरे में देखने में नज़र आता है. और अगर मैं एक्सप्लेन इसको करता रहूँ तो लोगों को समझ आएगी कि ये बिल्कुल कॉमन है, प्रीवेलिंग है. इस पे जो इम्पॉर्टेंट है वो एक रिप्रेशन है. ये सारे जो मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है अनकॉन्शियसली ऑपरेट करते हैं. वो जानबूझकर नहीं करता बंदा, उसको पता भी नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रिप्रेशन है. रिप्रेशन ये है कि जब चाइल्डहुड में या पास्ट में कोई इस तरह इवेंट गुजरा हो, सपोज़ पेरेंट्स की कोई इंसल्ट किसी ने की हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हो या कोई इस तरह इवेंट हो जो बड़ा एंग्जाइटी इंड्यूसिंग हो, और तो वो अनकॉन्शियसली पुश करता है उसको अनकॉन्शियस में, एंड ही फॉरगेट्स देन, एंड देन ही फॉरगेट्स दैट ही हैज़ फॉरगॉटन समथिंग. मतलब है वो एक उस हादसे को वो भूल जाता है और फिर इस बात को भूल जाता है कि वो कोई चीज़, कोई बात भूल चुका है. लेकिन ये जिस तरह पहले मैंने कहा था ना, समंदर के तह में चीज़ रहती है और ये फिर नमूदार होती है मुख्तलिफ एंगजाइटी डिसऑर्डर जो हम कहते हैं. तो एक रिप्रेशन फिनोमेना भी है उसकी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन का. तो एक रिप्रेशन है, दूसरा रिग्रेशन है. रिग्रेशन जो है ना, वो जिस तरह कोई एंगजाइटी हो सीवियर, वो बचपन के जो चाइल्डहुड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो बचकाना या बचपन के जो बिहेवियर में चला जाता है, मतलब वो स्कूल का बच्चा होगा वो अंगूठा चूसना शुरू कर देगा या उसे यूरिन जाना शुरू हो जाएगा, या कभी कभी हम ही यानी रहते हैं जवान होते हैं, कभी एंगजाइटी होते हैं तो माँ के गोद में चले जाते हैं, उसे
मतलब वो उसे मतलब गोद के वो हमें गोद में ले ले, वो एक बच्चों की तरह वो हम बिहेव करते हैं। या कभी कभी होते ना कि बड़ा मरीज भी होगा, बड़ा एडल्ट होगा, खातून होगी, मर्द भी होगा, जवान बंदा भी होगा, वो लाल एक बच्चों की तरह तुतलापन शुरू करेगा, खिलौने से खेलना शुरू करेगा, तो वो चाइल्डहुड में जब चला जाता है रिग्रेस में, तो वो उसकी एंग्जाइटी मतलब वो ख़त्म हो जाती है, वो उससे छुटकारा पा जाता है। तो वो एक ये है, एक रिएक्शन फॉर्मेशन है, वो मतलब रिवर्सल ऑफ मोटिव्स है। एक चीज़ उसको तंग कर रही है, जो इंस्टिंक्ट है, एड है, सपोज ये जो उसकी अगर वो मजहबी एक बंदा है और उसको जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है जिंसी, वो उसको तंग करती है, ख्यालात आते हैं, तो वो उसका अपोजिट रोल एक पोजीशन बना लेता है, या मतलब वो फहाशे के खिलाफ मतलब एक कंपेन चलाना शुरू कर देता है, या कोई मतलब है कि उसमें होती है कि ख्वाहिश होती है कि मैं बर्ड्स को मारूं, शिकार करूं, लेकिन वो उसको गिल्ट फीलिंग देती है कि ठीक नहीं है, तो वो फिर मतलब वो बर्ड्स को मारने के शिकार के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर देता है। तो ये मतलब ये यानी मुमकिन है, पॉसिबल है कि वो उसका अपोजिट, उसके अर्जेज हों जो उसको गिल्ट और एंग्जाइटी देता मतलब उसमें प्रोड्यूस करता हो, और वो उसका अपोजिट एक रोल अपना लेता है। तो ये एक रिएक्शन फॉर्मेशन है। एक मतलब है कि रेशनलाइजेशन, जो वो रीज़न देता है, वो रीज़न वो और समझते हैं कि मैं सही रीज़न दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब है कि सपोज़ वो नकल करना चाहता है लेकिन नकल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो मतलब है कि इसलिए मैं फेल हुआ कि दूसरे नकल कर रहे थे और मुझे नकल नहीं मिला, या मतलब वो ईट अ टेस्ट में सपोज़ वो पास नहीं हुआ, तो वो कहता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं था मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, मैंने जानबूझकर मतलब है उसको बस कि ये मैं मतलब कि मैं फेल हो जाऊं, तो वो सेल्फ इस्टीम को बचाने की रेशनलाइजेशन मतलब है उसको मतलब है कहते हैं। एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, जो एक जो ड्रामेटिक जो एंग्जाइटी इंड्यूस जो है वो एक इवेंट को साइंटिफिक माने देता है और इमोशनल और उससे डिटेच करता है, कॉग्निशन और इमोशन को डिटेच करता है, और अक्सर ये मेडिकल प्रोफेशन में, नर्सेज में या डॉक्टर्स में, मतलब रोज़ मरीज़ आते हैं, वफात भी पा जाते हैं, एक्सपायर होते हैं, तो हर एक एक्सपायर को उसको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है, तो वो जब सपोज ड्यूटी में आ गया कि अच्छा ये पेशेंट था, ये किस तरह एक्सपायर हुआ, ये तो कल ये तो ठीक था, तो वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर ये हुआ, इसको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, या इसके रेस्पिरेशन अरेस्ट हुई, या बीपी मतलब ड्रॉप हुआ, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करता है कि ताकि वो जो कॉग्निशन और इमोशन उसको डिटेच करे और वो साइकोलॉजिकल ट्रामा से बार बार ना गुजरे, उसके लिए वो प्रोफेशन आसान हो जाए, तो वो मतलब है उसको हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। एक होती है सब्लिमेशन, एक मतलब है जिस तरह वो लिबिडिनल एनर्जी फ्रेड थ्योरी के मुताबिक वो एक अर्जिस होती है, वो सेटिस्फेक्शन जाती है, जो बुनियादी जबिलतें हैं, लेकिन वो सोशली अप्रूव नहीं होती, सपोज एग्रेशन है या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है, तो उसको रीडायरेक्ट करते हैं, इसको रीडायरेक्ट करते हैं, और ऐसे एक्टिविटीज़ में मतलब में वो रेसलिंग की तरफ चला जाता है, ये जो कहते हैं ना कि ये आर्ट है या म्यूज़िक है या नावल है या ड्रामा है या फिल्में हैं, ये सब सब्लिमेशन की पैदावार है, यानी वो रीडायरेक्ट करते हैं, वो अर्जिस भी सेटिस्फेक्शन होती है उनकी और सोशली अप्रूव्ड भी होता है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक सिचुएशन है, सपोज़ एक काम करने वाला है
किसान है सपोज, या कोई इंस्टीट्यूशन का वो एक एम्प्लॉई है, ज़मींदार जागीरदार उसको इज्जत करता है या बॉस उसको इज्जत करता है, ह्यूमिलेट करता है, उसको वो कुछ कह नहीं सकता खौफ के मारे कि ये मतलब मुझे सजा देगा, ये टर्मिनेट कर देगा, निकाल देगा। वो आके वो गुस्सा बाना बना के बीवी पे निकाल देता है, ये डिस्प्लेसमेंट करता है। या मतलब वो माँ जो है वो न सास को कुछ कह सकती है, न शोहर को कुछ कर सकती, वो बच्चों को मारती है। तो अगर बच्चों को मारती है तो मतलब ये इसको एंग्जाइटी है और ये डिस्प्लेस कर रही है, बच्चों पे उतार रही है। या एक बच्चा है दूसरा, उसका भाई छोटा वो पैदा हुआ और पहले वो सारी तवज्जो इसकी थी, वो उसको राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी है, वो गुस्सा होता है उसको, लेकिन उससे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन करता है, देखता है कि माँ बाप नहीं तो चुंडी लगा लेता है या उसका खिलौना उसका तोड़ देगा। तो वो मतलब है वो डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक डिनाइल है जो अगर एक हालत से गुजर रहा हो इंसान और वो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, तो वो अनकॉन्शियसली एक डिनाइल स्टेट में चला जाता है। सपोज अगर चेस्ट पेन है और वो सिम्टम हार्ट अटैक के हो, लेकिन वो ये कि मुझे हार्ट अटैक हो गया वो बड़ा एंग्जाइटी देगा, तो नहीं ये हार्ट अटैक नहीं है, मैंने मैदा ख़राब है, मैंने ये फलाना खाना खा लिया था, ये स्पाइसी चीज़ खा ली थी, और ये मैं ठीक हूँ। और अक्सर ये डिनाइल से वो वक्त पे अप्रोच नहीं करते ट्रीटमेंट का, आप देखते हैं अक्सर ये होता है। या कैंसर का हो तो नहीं मुझे कैंसर नहीं हो सकता, मतलब ये इस तरह था, वो तो ये था, मतलब वो टम्परेचर था फलाना था और ये, तो वो एक डिनाइल। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सपोज ये नहीं, और देखने में भी आया है, देख एक्सपीरियंस सबका होगा कि अगर जवान बेटा फोत हो जाए, माँ यानी वो नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो शुरू का जो फेज़ है बिरीमेंट का, ग्रीफ का, वो डिनाइल का है। नहीं मेरा वो जनाजा भी हो चुका होगा सब कुछ कि नहीं मेरा बेटा ज़िंदा है, वो अभी आएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा उसने मुझे आवाज़ दी कमरे में है, तो वो एक डिनाइल होता है। तो इनिशियली मतलब वो डिनाइल है तो वो डिले कर लेता है। बाद में मतलब है कि अगर कैंसर भी हो जाए और हार्ट अटैक और सब कुछ हो जाए, उसको पता हो और उसको कहते नहीं मुझे कुछ नहीं है, तो वो एंग्जाइटी से निजात हासिल कर लेता है। लेकिन मतलब है वो एक बी डिनाइल का फेज़ है। तो ये मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ये है। और हम देखते हैं एक चीज़ प्रोजेक्शन, मैं भूल गया हूँ, प्रोजेक्शन होता है कि आपकी एक जो अनडिसलाइकिंग फीलिंग्स होती हैं, और लेकिन आप उसको एट्रीब्यूट करते हैं अपने दोस्त या अपने जो साथी है। सपोज़ वो साथी आप जो है आपका वो आपकी यानी दिल में उसकी डिसलाइकिंग है, और तो लेकिन वो आप इस तरह करते हैं कि मैं तो बड़ा सिंसियर हूँ, मैं तो बड़ा चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे साथ सिंसियर नहीं है। या मतलब है कि मतलब इस तरह मतलब बीवी के हवाले से भी हो सकते हैं, शोहर के हवाले से भी हो सकते हैं। तो वो अपने जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट करती हैं। या मतलब लड़के होते हैं आते हैं हमारे पास बिहेवियर के वास्ते, तो बजाय कि वो अपना बिहेवियर देखें कि मेरे बिहेवियर में ये मैं डिमांड करता हूँ बेजा, मैं इज्जत करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं, फिर वो प्रोजेक्ट करते हैं कि जी मेरे वालिदैन ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मेरे बात नहीं मानते, तो वो अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ यानी चीज़ों में, बीमारियों में भी या वैसे भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज्म देखने में आती हैं अगर हम इसको देखें। जी सर, आपने डिफेंस मैकेनिज्म की जो टाइप्स बयान की सर, जो हम अपने डेली लाइफ में अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं सर, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, और सर क्या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं? सना बेनिफिट्स तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं कि वो एक गिल्ट अगर हो, एंग्जाइटी हो जो नहीं फेस कर सकता इंसान, तो उससे तो छुटकारा हासिल कर लेता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये इस्तेमाल हो तो फिर वो उसके लिए एक सही प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी मुश्किल है और मुश्किल होगी। तो हमें इसलिए अपनी जो बिहेवियर है उसको टाइम बाय टाइम रिव्यू करना चाहिए कि हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं या जो बिहेवियर है ये वाकई जिनोन है या हम मतलब ये कुछ डिफेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। All right, sir. Sir, what message would you like to give to our viewers on this topic? हाँ, मेरे ख़्याल में ये अगर ये नॉलेज हो जाए तो हम अपने बिहेवियर को भी समझने में हमें मदद मिलती है और फिर दूसरों के साथ इंटरेक्शन में भी वो जो डिफेंसेस इस्तेमाल करते हैं उनको भी समझने में मदद मिलती है। This brings us to the end of our today's discussion. Thank you, Dr. Saab, for being with us. Thank you, Sanaji. Stay tuned for another episode. Until then, Allah Hafiz.